दुष्ट आत्माएं गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की 9वें आयत उल्लेख करता है कि तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान का स्वर्ग से गिराया जाना, चिन्ह स्वरूप यशाया 14वें अध्याय के 12वें आयत से 15वें आयत और यहेजकेल के 28वें अध्याय के 12वें आयत से 15वें आयत में वर्णित किया गया है। अपने गिराए जाने के साथ शैतान स्वर्ग दूतों में से प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 4 आयत के अनुसार एक तिहाई को अपने साथ मिला ले आया जिन्होंने पाप किया था। यहूदा उन स्वर्ग दूतों का उल्लेख करता है जिन्होंने पाप किया था। इस तरह से बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्माएं गिराए गए स्वर्ग दूत हैं जिन्होंने शैतान के साथ परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। कुछ स्वर्ग दूतों को पहले से ही उनके पाप के कारण अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा हुआ है। यहूदा 1:6 में ये बात बताई गई है, जबकि अन्य घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं और जिनका संकेत इफिसियों 6 अध्याय के 11वें आयत, कुलुसियों 2 अध्याय के 15वें के साथ मिलाकर देखें, इस संसार के अंधकार के हाकिमों दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट आत्माएं अभी भी उनके अगुओं शैतान का अनुसरण पवित्र स्वर्गदूतों के विरुद्ध परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर के लोगों को बाधा पहुंचाकर असफल करने के लिए अपने प्रयास में युद्धरत है। आत्मिक प्राणी होने के नाते दुष्ट आत्माओं के पास एक भौतिक शरीर में वास करने की योग्यता है। शैतानिक जकड़न उस समय प्रकट होता है जब एक व्यक्ति पूरी तरह से किसी एक दुष्टात्मा के नियंत्रण में आ जाता है। यह परमेश्वर की संतान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह में विश्वासियों के हृदयों में वास करता है। 1 यूहन्ना के 4 अध्याय के 4 वचन में ये बात बताई गई है, अपनी पृथ्वी की सेवकाई के मध्य यीशु ने कई दुष्ट आत्माओं का सामना किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें से किसी में भी मसीह जैसी सामर्थ नहीं थी। वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। मत्ती 8:16 आयत में ये बात बताई गई है, यीशु का दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार कई प्रमाणों में से एक था कि वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। लूका 11:20 आयत में वे दुष्ट आत्माएं जिनका सामना यीशु के साथ हुआ जानती थी कि यीशु कौन था और वे उससे डरती थी। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। मत्ती 8:29 आयत में आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी। दुष्ट आत्माएं अपने अंत को जानती थी जो कि दुख से भरा होगा। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के कार्य नाश करना और किसी को भी भरमाने की खोज में रहती है। 1 पत्रस 5:8-2 ये बात बताई गई है, कुरिन्थियों 11:14-15 में भी ये बात बताई गई है, दुष्ट आत्माओं को बुरी आत्माएं मत्ती 10:1, अशुद्ध आत्माएं मरकुश 1:27, झूठी आत्माएं 1 राजा 22:23 और शैतान की स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 12:9 में भी कहा जाता है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं संसार को भरमाती है। 2 कुरिन्थियों 4:4 झूठी शिक्षाओं को फैलाती है। 1 तीमुथियुस 4:1 मसीहियों पर आक्रमण करती है। 2 कुरिन्थियों 12:7 1 पत्रस 5:7
आठवें आया और पवित्र स्वर्गदूतों के साथ युद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 4थी आयत से 9वें आयत तक। दुष्ट आत्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर के शत्रु हैं, लेकिन वे हारे हुए शत्रु हैं। हाँ, मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार दिया और उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलुसियों 2:15 आयत में अब ये बात बताई गई है, जब हम स्वयं को परमेश्वर के अधीन और इब्लिस का विरोध करते हैं तो हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहल